बंधे एक डोरी से। रघु को अभी से कितनी जलन हो रही है। प्यार जगाने की सबसे अच्छी दवाई होती है जलन। जल्दी से हाँ कह दे। क्या हुआ रघु? कपड़े निकाल रहा। हमने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम कबर्ड में क्या ढूंढ रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं कि पार्टी से ऐसे अचानक क्यों आ गए? केक कट गया, डांस हो गया, पार्टी में क्या बचा था? रघु सच सच बताओ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमें पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। अब जल्दी से बता दो कि क्या बात है। बोलो रघु, बताओ ना। आपने फिल्म में काम करने के लिए हाँ क्यों बोला? वो हमें पैसों की जरूरत है ना, बस इसीलिए। फिल्म में काम करेंगे तो थोड़े पैसे कमा सकते हैं ना रघु। देखिए मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, कैसे भी करूंगा मैं कर लूंगा। आपको फिल्म में काम करने की जरूरत नहीं है। रघु फिल्म में काम करने में क्या बुराई है? देखो ना, तुम्हारी इस तरह अपनी किडनी बेचने से या फिर अंडरग्राउंड किसी क्लब में जाकर फाइट करने से तो अच्छा ही है ना कि हम फिल्म में काम करें। कम से कम कुछ पैसे ही कमा लेंगे, है ना? अब आप ये सब बात क्यों बोल रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैंने वादा किया ना आपसे, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया ना, फिर ये सब क्यों बोल रही हैं अब आप? ओ रघु, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमारे फिल्म में काम करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब बहुत प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रही हैं। अब देखिए फिल्म में काम करेंगे, फिल्म में कोई और हीरो होगा, वो आपके साथ एक्टिंग करेगा, डांस होता है फिल्मों के अंदर, छुएगा वो आपको। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से। ओहो, छुएगा हमें? तो रघु जी को जलन भी होती है? अरे मतलब जलन क्यों, मुझे क्यों जलन होगी? मुझे क्या, मैं तो इसलिए कह रहा था कि मालिक साहब को बुला लेगा ना अगर आप ये सब करेंगी तो। अच्छा, अब ताजू के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो तुम? सच सच क्यों नहीं कह देते तुम कि तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि वहां फिल्म में कोई और हमें छुएगा? हाँ, अगर तुम ये बात कबूल कर लोगे तो हम अभी एक्टिंग करने से मना कर देंगे। इसमें क्या है? सवाल करिए आप, क्या कबूल क्या करूं? मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। देखिए मुझे आपको समझाना था, आप समझे ना समझे आपकी मर्जी है। आपको एक्टिंग करना है आप करिए, मैं क्या बोल सकता हूँ, आप करिए। बिल्कुल सही जगह पे ये तीर लगा है शिवानी। रघु चाहे कितना ही मना कर ले, लेकिन ये सिर्फ जलन ही है। जानती हूँ दादी, बस कुछ ही दिनों की बात और है। इस फिल्म के बहाने हम रघु को इतना जलाएंगे
कि वो खुद ही परेशान होकर बोल देगा, बस करो शिवानी, हमें और मत चलाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेबी जी, आप यहां क्या कर रही? मैं आपको फोन लगा रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रही। आप इतनी रात में यहां क्यों चली आई? रघु, रघु कोई है वहां पर? वहां कुएं के अंदर हमने अपनी आंखों से वहां किसी को अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन अब वो नहीं है, वो कहीं गायब हो गया। क्या बोल रही हैं आप, कुएं के अंदर? मतलब कोई था, हमारे कमरे के बाहर था। क्या? कौन कमरे के बाहर खड़ा था? क्या बोल रही हैं आप? कंबल में, कंबल ओढ़े था, हमने उसे पहले भी देखा है रघु, वो हमारा पीछा कर रहा है। अगर ऐसी बात तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे उठा देते ना, आप खुद क्यों चली आई यहाँ पे अकेले? रघु तुम सो रहे थे,
जब तक हम तुम्हें उठाते वो चला जाता, इसलिए हम खुद ही उसका पीछा करने आ गए। रघु हमें जानना है कि वो क्यों हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा अच्छा आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, आप रुकिए मैं देखता हूँ, रुकिए। कोई भी नहीं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? रघु हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को वहां अंदर जाते हुए देखा है। रघु जी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई वहम हुआ होगा। अच्छा अगली बार ऐसा कुछ होना, आपको डर लगे, आपको कोई दिखे तो आप मुझे बताइए, ऐसे अकेले मत चले आइए यहाँ पे, ठीक है? देखिए चलिए कोई बात, आप फिक्र मत करिए, आप डरिए मत, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल चलिए आप यहाँ से, चलिए आप क्यों घबरा रही है, मैं हूँ ना, आप आइए मेरे साथ। क्या देख रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है, चलिए चलिए आ जाए। गई बुढ़िया, ले संभाल अपना मंदिर। तेरा दिमाग खराब हो गया है कहीं? भगवान ही हमारे, दिमाग तो तेरा खराब हो गया बेला। अगर तुम लोगों का कोई भगवान है तो वो मैं हूं। तुम्हें अगर किसी की पूजा करनी है तो मेरी करो। वैसे भी तुम लोगों को मेरी मूर्ति नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी हूं और ये मेरी मर्जी है कि मंदिर की जगह मदिरा रखी जाएगी। मित्रा भगवान से डर, तेरा ये घमंड तुझे बर्निंग करके राख कर देगा। फिलहाल तो मैं तेरा घमंड बर्निंग करके राख कर देना चाहती हूँ माया। माया क्या तुझे सचमुच लगता है कि मैं मंदिर की जगह शराब रखूंगी? इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं माया, इसीलिए मंदिर की जगह शराब में डलने वाली बर्फ रखी जाएगी। अब ठीक है? तुमने शराब का नाम लिया और शराब हाजिर। कमाल की चीज है, मतलब खुशबू से ही नशा होने लगता है। ए बुढ़िया पिएगी? बेला पी ले। अबे दो दो घूंट पी लो, दिमाग ठंडा रहता है। अरे शर्म कर,
अरे थोड़ी तो शर्म कर। यो थारी मां समान, मां समान। एक तो मंदिर को उसकी जगह से हटा के तूने पाप किया है, दूसरा मारा मंदिर जैसे घर में यो शराब लाके रख दियो। अनाथ होगो थारो, सत्यानाश होगो थारो। लो कर लो बात। ये पापी बुढ़ा अचानक धर्मात्मा कैसे बन गया? क्यों रे बुढ़े, कल तक तो तू शराब के नशे में धुत होके बिना सायरन के एम्बुलेंस की तरह लहराते हुए घर पहुंचता था, आज क्या हो गया? सर पे ईंट गिर गई क्या? हाँ? तुझे तो शराब के नशे में धुत होना अच्छा लगता था, तो आज ये वाल्मीकि बनके रामायण क्यों लिखने बैठ गया? अरे मैं शराब पीता था, लेकिन भगवान गवाह है, ये मंदिर पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, आज तक एक बूंद भी शराब मैंने इस घर में नहीं लाया। तो फिर तूने जो गलती करी है बुड्ढे, मैं भी वही गलती करूँ? हाँ? और एक बात कान खोल के सुन लो नौकरो, आज इस घर में जश्न होने वाला है, पार्टी, मेरे और सुम्मी के अमीर होने के लिए ये पार्टी रखी है, हमारे दोस्त आने वाले, खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। और हाँ, वहां पर नए नए कांच के ग्लास भी लाकर रखे हैं हमने, उसे साफ करके चमका देना, ठीक? मुंह क्या देख रहे हो, ले जाओ इसको बाहर। वैसे भी आज तुम लोगों को बहुत काम है, मेरे सारे मेहमानों की खातिरदारी तुम्हें जो करनी है, सारे मेहमानों को तुम लोग परोसोगे, चाहे वो खाने की चीज हो या फिर पीने की चीज। आओ रुक, आओ शिवानी, ये है हमारा सेट। वीर प्रताप जी, यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। एक फिल्म को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, जितना आसान दिखता है ये, नमस्ते, इतना आसान है नहीं। आओ बैठो। वैसे भी हमारी फिल्म कहानी काफी खास है, इसलिए मेहनत भी ज्यादा है। वीर प्रताप जी, वैसे स्टोरी क्या है? ये एक लव स्टोरी है रब। ओह माय गॉड, लव स्टोरी, वाओ। हीरो हीरोइन से प्यार करता है, लेकिन वो दोनों कभी एक नहीं हो पाते, बस उन्हें एक करने की ये कहानी। शिवानी, हमारी फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं, खास करके रोमांटिक सॉन्ग। वाओ, रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं? वैसे वीर प्रताप जी, आप कोई और फिल्म नहीं बना सकते? मतलब जैसे होता ना, हम देखते हैं दो बहनों की फिल्म होती है, या फिर माँ माँ और बेटी की, या दादा पोती की, ऐसी कुछ कहानी हो। रघु, आजकल रोमांटिक स्टोरी ज्यादा चल रही है। एक्सक्यूज मी सर, डायरेक्टर साहब ने आपको कुछ बात करने के लिए बुलाया है। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं डायरेक्टर से मिलकर आता हूँ। जी रघु, तो ये सब कितना एक्साइटिंग है ना, हमारे पेट पे तो ना बहुत सारी बटरफ्लाईज हो रही है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा। आज हम खुद अपने कानों से सुनेंगे, लाइट कैमरा एक्शन, वाओ, आई एम सो एक्साइटेड।
और तुमने सुना रोमांटिक सॉन्ग्स भी होंगे और वो भी ब्यूटीफुल लोकेशंस पे. सो एक्साइटिंग रघु, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. जी अब रानी मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा. ये स्टोरी सुनी आपने? वही घिसी पिटी स्टोरी है, कुछ नया तो है ही नहीं. इसमें क्या है? मुझे नहीं लगता ये कुछ खास फिल्म बनने वाली है. एक काम करते हैं, घर चलते. नहीं नहीं रघु, हम तो इस फिल्म में एक्टिंग जरूर करेंगे. अब देखो ना, सब कुछ कितना अच्छा है. लव स्टोरी है, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, ब्यूटीफुल लोकेशन, इसमें क्या बुराई है? हमें अच्छी तरह से पता है रघु कि अंदर ही अंदर कितने जल रहे हो तुम. और दबा के रखो अपना प्यार. हम भी देखते हैं कि अब कब तक छुपा पाते हो तुम.